श्रीलंका को 5-0 से वनडे सीरीज में रौंदने के बाद अब विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 सितंबर से 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है, जिसे जीतकर टीम इंडिया इतिहास रच सकती है। टीम इंडिया अगर ये सीरीज जीतती है तो भारतीय टीम वनडे में भी नंबर वन हो जाएगी और टेस्ट के साथ साथ वनडे में भी नंबर वन बनने का रुतबा टीम इंडिया को हासिल हो जाएगा। हालांकि टीम इंडिया के नंबर वन की कुर्सी तक पहुंचने में कुछ शर्तें हैं, आइए उन्हें देखते हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीका नंबर वन है और उसके 119 अंक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया दोनों के ही 117 अंक हैं। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हरा देती है तो उसके 122 अंक हो जाएंगे और वो नंबर वन टीम बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के 113 अंक रह जाएंगे। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराती है तो भी उसके 120 अंक होंगे और नंबर वन बनना यहाँ भी तय है। लेकिन टीम इंडिया अगर 3-2 से सीरीज जीतती है तो उसके 118 अंक ही होंगे और वो दक्षिण अफ्रीका से 1 अंक पीछे रह जाएगी। मतलब टीम इंडिया को नंबर वन बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया को या तो 4-1 से हराना होगा या फिर उसका सुपड़ा साफ करना होगा। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम भी नंबर वन के पायदान पर पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया को भी नंबर वन बनने के लिए टीम इंडिया को 4-1 या फिर 5-0 से हराना होगा। वैसे टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन और विकेट कीपर MS धोनी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का भी प्रदर्शन दमदार रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।